दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक सिख वाहन चालक की पिटाई के मामले में जांच रिपोर्ट पेश होने के बाद दिल्ली पुलिस के दो कर्मियों को गैर पेशेवर रवैया अपनाने पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा मामले में जांच अभी भी जारी है, जिसके चलते मामले में शामिल अन्य पुलिस कर्मियों पर भी जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में सिख चालक और उसके बेटे को पीटने के मामले में पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। फर्स्ट बटालियन के उपायुक्त ने थाना मुखर्जी नगर इलाके में घटना के वक्त तैनात पुलिस कांस्टेबल पुष्पेंद्र शेखावत और कांस्टेबल सत्य प्रकाश को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है, जिसकी पुष्टि पुलिस उपायुक्त का ये पत्र भी करता है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में ग्रामीण सेवा के सिख चालक सर्वजीत और उसके बेटे को पुलिस कर्मियों ने पीटा था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से जाँच कमेटी गठित की गयी थी। कमेटी ने अपनी जांच में फौरी तौर पर इन दो पुलिस कर्मियों को दोषी पाया है, जिस पर पुलिस प्रशासन ने ये सख्त कदम उठाया है। बता दें कि जांच कमेटी की जांच अभी भी जारी है और दोषी पाए जाने वाले अन्य पुलिस कर्मियों पर भी पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। दिल्ली से मोहित शर्मा।